हेलो एवरीवन। तो जो आज देखते हैं हम एक छोटा सा टॉपिक पोजीशंस वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो हम यहाँ 2D 3D में दोनों देखने वाले हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है अपने पास में, और दो ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल पोजीशन अपने पास ओरिजिन है दो ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ से मोशन करता हुआ यहाँ तक ए तक गया है, सेकंड बच्चों यहाँ से यहाँ गया अपने पास में। इसका पोजीशन मैं मान लेता हूँ कि एक्स का कंपोनेंट बच्चों इसका एक्स वन है, इसका बी का कंपोनेंट हम मान लेते हैं कि क्या है एक्स टू है अपने पास में। इसी तरीके से इसका वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट बच्चों वाई वन है, और इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट में मान लेता हूं क्या है वाई टू है। तो यदि हम कोऑर्डिनेट्स यहां एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू मान चुके हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम इनको कैसे लिखेंगे? तो इसलिए हम मान लेते हैं कि बच्चों इस ए का पोजीशन वेक्टर कितना है आर वन है, यानी ओ से ए तक को वेक्टर फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर यहां बोल रहे हैं इसको पोजीशन। इसी तरीके से ओ से बी तक का पोजीशन वेक्टर यहाँ क्या होगा बच्चों आर टू हम यहाँ ले लेते हैं, हमने आर टू यहाँ मान लिया है। सो यह आर वन कितना होगा, 2D में लिख रहा हूँ बच्चों, पहले आर वन अपने पास कितना होगा एक्स वन आई केप वाई वन जे केप, ये आर वन रहेगा। मतलब ये ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन ले रखा है, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों हमने एक्स टू एंड वाई टू ले रखा है। सो आर टू कितना होगा, आर टू होगा बच्चों या एक्स टू आई केप वाई टू जे केप, क्लियर है यहां तक? अब यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मीन क्या है? सपोज बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ए से बी तक का चाहिए, ए से बी की डायरेक्शन का आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो ए से बी तक मतलब हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहां क्या मीन होता है, या दो ऑब्जेक्ट्स हम ले रखे उनका इनिशियल तो सेम है, बट ये फाइनल जो है अपने पास में वो डिफरेंट पोजीशन पर आ चुका है। इनिशियल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन इनका डिफरेंट है। तो फिर इनके मिड में ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बच्चों, हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। इनके मिड में जो ये डिस्टेंस, ये जो पोजीशन है बच्चों, इनिशियल पोजीशन सेम है बट फाइनल पोजीशन डिफरेंट है इसका। तो ये जो फाइनल पोजीशन में जो ये गैप आ रहा है, जो पोजीशन इसका आ रहा है, इसको बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ कहते हैं। अभी बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे ए से बी तक फाइंड करना है, तो हम इसको ट्रायंगल मेथड से देखते हैं। तो ट्रायंगल मेथड में हम ये देखेंगे बच्चों ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ओ से लेकर ए तक ट्रायंगल मेथड पढ़ सकते हैं, हमने बता रखा है ओ से ए तक सेम ऑर्डर में, ए से बी तक सेम ऑर्डर में। तो आर वन ट्राइंगल मेथड का यूज ले रहा हूं, ए बी पोजिशन है वेक्टर फॉर्म में, इक्वल किसके होगा अपोजिट ऑर्डर के पोजिशन के होगा जो आर टू है। आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, या आर टू माइनस आर वन हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहा आता है बच्चों, ए टू बी तक हम फाइंड कर रहे हैं, यानी ए से बी की डायरेक्शन में, ये ए से बी की डायरेक्शन में हमने फाइंड किया है। यदि मान लो आपको बी से ए की डायरेक्शन में फाइंड करना हो, मतलब ये फाइंड करना हो, तो बी से ए की डायरेक्शन में फाइंड करेंगे बच्चों, तो आर टू और ये वाला सेम ऑर्डर में आएगा, अगेन ट्राइंगल मेथड का यूज लेते हैं। वापस सुने, आई से बी की मीनिंग, अब बी से ए की डायरेक्शन में ये वाला फाइंड करना है पोजिशन वेक्टर, बी ए फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। तो बी ए और आर टू सेम ऑर्डर में रहेगा, अगेन सेम ऑर्डर में रहेगा, तो आर टू प्लस बी ए इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, आर वन रहेगा। यानी यहां हम ये कह सकते बी से ए की डायरेक्शन में क्या आएगा, आर वन माइनस आर टू अपने पास आ जाएगा, ये बी टू एम में है अपने पास में। यानी हम ये देख रहे हैं बच्चों ऐसे बी तक फाइंड कर रहे हैं, तो देखो ऐसे बी तक फाइंड कर रहे तो बी के कोऑर्डिनेट में, बी के कोऑर्डिनेट यही कह सकते हैं जो बी का पोजीशन है अपने पास में, उसमें से ए के पोजीशन को माइनस करें।
यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि ए बी आप फाइंड कर रहे हैं तो ओ बी में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, ओ ए को माइनस कर रहे हैं। देख सकते हैं देखो ए बी यानी ये यहां से देखें आप ए बी ऐसे बी तक का पोजिशन वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। तो आर टू क्या है बच्चों, आर टू ओ बी तो है अपने पास में, ओ बी पोजिशन वैक्टर ही तो है, और आर ये आर वन कौन है बच्चों, ये ओ ए है। तो ए बी फाइंड करना है तो ओ बी में से ओ ए को माइनस आप कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप बी ए फाइंड करेंगे बच्चों, यहां ये बी ए का पोजिशन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ओ ए में से किसको माइनस कर रहे हैं, आप ओ बी को माइनस कर रहे हैं। जैसे मान लो मुझे पी क्यू कोई पोजिशन वेक्टर फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, पी क्यू कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसे क्यू के पोजिशन वेक्टर में से, क्यू के पोजिशन वेक्टर में से पी के पोजिशन वेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने पास इस तरीके से आएगा। अब जैसे हम कोई भी दो में से एक को फाइंड कर लेते हैं, सिखा देते हैं कैसे। तो हम जैसे मान लो बी एफ ए बी फाइंड करें, जैसे मान लो बच्चों ए बी फाइंड करें तो ए बी क्या आएगा बच्चों, ओ बी माइनस ओ ही आएगा, या जिसको हम क्या लिख रहे हैं आर टू माइनस आर वन आएगा। तो ए बी हम फाइंड करते हैं तो ओ बी क्या है, ओ बी क्या है आर टू है, और आर टू बच्चों ये रहा अपने पास में क्या है, एक्स टू आई के वाई टू जे के आ जाएगा, माइनस एक्स वन आई के वाई वन जे के आ गया। अब हमें पता आई का कोऑर्डिनेट आई के कोऑर्डिनेट में से माइनस हो सकता है, सो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स टू माइनस एक्स वन आई के एंड वाई टू माइनस वाई वन एन क्या आएगा, जे के आएगा। बात क्लियर है। यदि बच्चों ये थ्री डी में रहे, मान लो ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रहे, तो ये फिर अपने पास क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई के वाई टू माइनस वाई वन जे के एंड जेड टू माइनस जेड वन एन के रहेगा। जेड का भी कोऑर्डिनेट इसमें हो जाएगा। यदि बच्चों आपको ऐसे ही वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहां नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है पॉज करके। तो यहां हम इसको अब हटा देते हैं भाई। यदि वेलोसिटीज आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए बच्चों कैसे फाइंड करते हैं। यहां देखे तो पोजिशन वेक्टर तो क्या है बच्चों अपने पास में, ये मैं मान लेता हूं पोजिशन वेक्टर बच्चों आर है अपने पास में, ठीक है। तो क्या आया है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई के थ्री डी में लिख रहा हूं, वाई टू माइनस वाई वन जे के, जेड टू माइनस जेड वन के। सो ये लिखा जा रहा है बच्चों, एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स लिख देता हूं आई के, ये लिख देता हूं बच्चों मैं क्या, डेल्टा वाई लिख देता हूं जे के, और ये लिख देता हूं बच्चों डेल्टा जेड के। अब यदि आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हमें बताया कि हम इसका क्या करेंगे बच्चों, पोजिशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, डी आर वाई डी टी, ठीक है। डेल्टा एक्स को हम फिर ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे तो यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डी एक्स और डी टी आई के डी वाई डी टी जे के डी जेड डी टी एंड के। वैसे तो आप चेंज करेंगे इसको लिमिट लेकर, लेकिन डायरेक्ट लिख देते बाद में वही आना अपने पास में। तो ये आ गया बच्चों वेलोसिटी, वी एक्स आई के वी वाई जे के वी जेड के। ऐसे एक्सेलरेशन के लिए आप अगेन इसका डिफरेंशिएशन आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स आई के कंपोनेंट की फॉर्म में अपने पास में एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो ये अपने पास क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजिशन वेक्टर, ठीक है बच्चों, थैंक यू।